नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। टीपू सुल्तान जयंती समारोह में हिंसा विहिप नेता की मौत। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती पर समारोह आयोजित करने को लेकर फैली हिंसा में विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की मौत हो गई तथा पुलिस कर्मियों समेत कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मादीपुर के एक इलाके में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा की गई गोलीबारी में एक युवक घायल भी हो गया। पूरे कोडागू जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त बलों को इलाके में भेजा गया है। जयंती समारोह के आयोजन के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष छिड़ने के बाद सैकड़ों लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस के अनुसार विहिप नेता और राज्य सरकार के पूर्व कर्मचारी कुटप्पा को पथराव के दौरान सिर में चोट लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भाजपा ने इन समारोहों का बहिष्कार किया है। अरुण शौरी का आरोप, नरेंद्र मोदी समर्थकों ने मेरे विकलांग बेटे को भी नहीं बख्शा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने एक समाचार चैनल पर आरोप लगाया है कि मोदी समर्थकों ने उनके बेटे को भी नहीं छोड़ा, जो मस्तिष्क की एक बीमारी से पीड़ित है। शौरी ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन्हें पढ़कर लोग चौंक जाएंगे। उन लोगों ने लिखा है, इसका मेंटल सन है, वो और भी मेंटल बनेगा। ऐसे मूर्खों को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। संघ ने कहा, देश में बढ़ता जनसंख्या असंतुलन खतरनाक। देश में जनसंख्या असंतुलन को एकता, अखंडता तथा सांस्कृतिक पहचान के लिए संकट करार देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पंजाब इकाई ने सोमवार को यहां कहा कि जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण अब समय की मांग है। इस पर केंद्र सरकार को तुरंत अमल करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजाब के सह प्रांत संघ चालक अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा ने सोमवार को सम्मेलन में कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या तथा जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस पर अगर अभी से गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया तो इससे देश की एकता, अखंडता तथा सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। आसाराम को सोनिया गांधी ने झूठे मामले में फंसाया, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि प्रवचनकर्ता आसाराम को झूठे मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि वे दीपावली के बाद उनकी जमानत के लिए अदालत का रुख करेंगे। स्वामी ने कहा कि मिशनरियों द्वारा कराए जा रहे धर्मांतरणों के खिलाफ गुजरात में आसाराम की ओर से चलाए गए अभियान के बाद सोनिया गांधी के इशारे पर उन्हें फर्जी मामले में फंसाया गया। गौरतलब है कि एक बलात्कार के मामले में आसाराम पिछले 2 सालों से जेल में बंद हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।